أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Dear all, today we'll discuss about the adapter components regarding component-based software engineering. This is our next topic for the discussion, adapter components. So let's have a look at this. What is the adapter? Actually, the adapter address the problem of component incompatibility by reconciling the interfaces of the components that are composed. I repeat, adapters address the problem. Actually, जो adapter है वो आपके problem को address करता है, उसको deal करता है of component incompatibility, especially जिनका ताल्लुक है, especially which are related to the component incompatibility with the system or incompatibility with each other. How? By reconciling the interfaces को reconcile करके of the components that are composed, जो कि आपके composed हैं, reconcile करता है. By reconciling the interfaces of components, जितने भी इसके interfaces हैं components के that are composed. So it means के in general sense adapter को मैं ये कहूँगा adapters आपके कंपोनेंट के इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडॉप्टर्स आर रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपोजिशन. मुख्तलिफ किस्म के हमें एडॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे और टाइप्स ऑफ कंपोजिशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करता हूँ, एन एड्रेस फाइंडर एंड अ मैपर कॉम्पोनेंट. For example, दो components, एक address finder and a mapper component may be composed through an adapter. ये दोनों adapter से compose, उसके जरिए compose हो सकते हैं through an adapter that strips the postal code from an address, जो कि strip करता है postal code को address से and passes into mapper component. और फिर mapper component पे उसको pass कर देता है. ये नीचे मैं figure से भी आपको ज़्यादा clear हो जाएगा. ये देखिए जी, ये आपके पास the component post code stripper. ये क्या होगा, इज द एडॉप्टर, इट इज एन एडॉप्टर एक्चुअली दैट फैसिलिटेट्स, जो फैसिलिटेट करता है, सहूलत प्रोवाइड करता है द सीक्वेंशियल कंपोजिशन ऑफ एड्रेस फाइंडर एंड मैपर कंपोनेंट्स. द सीक्वेंशियल तरतीब से कंपोजिशन ऑफ एड्रेस फाइंडर एंड मैपर कंपोनेंट्स, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करेगा जो सीक्वेंस कंपोजिशन है एड्रेस फाइंडर की और मैपर कंपोनेंट्स की. यहाँ पे हम देखते हैं जी, एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस फाइंडर डॉट लोकेशन, ये मेथड आ गया आपका. फोन नंबर यहाँ पे मैंने पास करवा दिया. यहाँ पे पोस्ट कोड है, देखें ये पोस्ट कोड स्ट्रिपर आ गया, ये पोस्ट कोड स्ट्रिपर डॉट गेट पोस्ट कोड एक मेथड लग गया, उसमें क्या है जी पैरामीटर अंदर एड्रेस. यहाँ पे फिर मैपर कंपोनेंट की कंपोजिशन हो रही है, सीक्वेंशियली कंपोजिशन है, फैसिलिटेट कर रहा है कौन, पोस्ट कोड स्ट्रिपर. ये देखें मैपर डॉट डिस्प्ले मैप, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या पास करवा दिया, दैट इज दैट वन पोस्ट कोड एंड 10,000. ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये इंटरमीडिएटरी मेरे पास फैसिलिटेशन हो गई. तो ये पोस्ट कोड जो स्ट्रिपर कंपोनेंट है, ये आपका अडॉप्टर है, इसने क्या क्या फैसिलिटेट किया, सीक्वेंशियल कंपोजिशन एड्रेस फाइंडर की एंड मैपर कंपोनेंट की. ये हम देख सकते हैं, देयर यू कैन सी. सो आई एम एक्सटेंडिंग दिस वन. नेक्स्ट वन इज एन अडॉप्टर लिंकिंग अ डेटा कलेक्टर and a sensor. Now let's have a look another example, another task, an adapter linking a data collector and a sensor. How? The component adapter is the adapter actually that facilitates, in that sense, collector and sensor, that facilitates the hierarchical composition of sensor and data collector components. I repeat, the component adapter here is the adapter that facilitates, जो कि facilitate करता है hierarchical composition, है जी आपकी hierarchical composition होगी of sensor and data collector components. जी let's see, कैसे जी, ये आपका sensor है, ये adapter है, and this is the data collector. हम ये कह रहे हैं कि ये facilitator है, component adapter. कैसे, ये आपका sensor है, ये आपका start function, ये stop और ये get data. adapter की association इसके साथ हुई, इसने इसको merge किया, composite किया. सेंसर मैनेजमेंट आपकी है, सेंसर डाटा यहाँ से स्ट्रैच हो रहे हैं किसके साथ, डाटा कलेक्टर के साथ.
कलेक्टर के पास क्या क्या फंक्शनलिटीज अवेलेबल हैं, एड सेंसर, रिमूव सेंसर, स्टार्ट एंड स्टॉप सेंसर, मच लाइक द सेम वे हेयर, क्योंकि इसने फैसिलिटेट करना है, टेस्ट सेंसर, इनिशियलाइज भी करवाना है, रिपोर्ट भी एंड लिस्ट ऑल विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलेटर कलेक्टर. बिकॉज कंपोनेंट एडॉप्टर इज द एडॉप्टर दैट फैसिलिटेट्स हायरार्किकल कंपोजिशन ऑफ सेंसर एंड डेटा कलेक्टर कंपोनेंट्स. सेंसर के और डेटा कलेक्टर के कंपोनेंट्स में एक हायरार्की आपको बताता है, ठीक है, जो जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं इसमें हायरार्की है, मेंटेनेंस हो रही है. सो फैसिलिटेट करेगा आपको हायरार्की मेंटेन करने. जी, फोटो लाइब्रेरी कंपोजिशन एक और एग्जांपल, अनदर एग्जांपल आई एम कोटिंग ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. हियर वी हैव द फोटो लाइब्रेरी, वी हैव एड आइटम एंड रिट्राइव एंड कैर एंट्री. We have these three functionalities, and first one is associated with that particular adopter, and this is also associated with the image manager component. Image manager component is retrieving with the help of get image, and here is the adopter to facilitate. It is hierarchical facilitation. For example, get catalog entry. Here we have catalog entry. Get catalog entry with the help of user interface. So this is the intermediary image manager, and over here on the left side the photo library. So photo library composition and image manager, these are the two things that are accommodated with the help of this adopter. This is the photo library composition. Next one is the interface semantics. What are the semantics of our interface semantics? Let's have a look at this. We have to rely on component documentation. Yes, we know that we have to rely on component documentation to decide if interfaces that are synthetically compatible are actually compatible. जिनको हमने कहा है synthetically आपस में तो compatible हैं, क्या हकीकत में भी एक दूसरे के साथ compatibility है, ये compatible है कि नहीं, वो decide करना है, ठीक है. इसलिए हमें rely करना पड़ता है component की documentation में, ठीक है. जब आपने प्रॉपर इंटरफेस को फाइंड आउट करना है, प्रॉपर इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन होनी है कंपोनेंट की, तो हमें कंपोनेंट की डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी चाहिए. कंसीडर एन इंटरफेस फॉर अ फोटो लाइब्रेरी कंपोनेंट. लेट वी कंसीडर एन इंटरफेस फॉर फोटो लाइब्रेरी कंपोनेंट. यहाँ पे मेरे पास पब्लिक वाइड एड आइटम एक मेथड, इसमें पैरामीटर है आइडेंटिफायर पी आई डी, फोटोग्राफ पी एंड कैटलॉग एंड एंट्री फोटो डिस्क्रिप्शन. ये तीन चीजें मेरे पास पैरामीटर में. अनदर वन पब्लिक फोटोग्राफ रिट्रीव, ये भी एक मेरे पास मेथड है, इसमें आइडेंटिफायर पी आई डी दिया हुआ है. पब्लिक कैटलॉग एंट्री एंड कैट एंट्री, ये भी एक मेथड है, इसमें भी आइडेंटिफायर पी आई डी दिया हुआ है. तो इंटरफेस फोटो लाइब्रेरी कंपोनेंट में हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं. फोटो लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन छोटी सी एग्जाम्पल के बाद आई अगेन रिपीट, देख लीजिए. तीन मेथड नॉर्मली मैं इस कंपोनेंट के लिए लेके चल रहा हूँ, इसको हम कंसिडर किया मैंने. अब नेक्स्ट जी, फोटो लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन. व्हाट इज द फोटो लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन? अब इसमें क्या होगा, दिस मेथड एड आइटम क्या करेगा, एड आइटम एड्स अ फोटोग्राफ टू द लाइब्रेरी, एड कर देगा फोटोग्राफ लाइब्रेरी पे एंड एसोसिएट्स और जोड़ेगा तो रब्त कायम करेगा, कनेक्शन करेगा, एसोसिएट्स द फोटोग्राफ आइडेंटिफायर पी आई डी, जिसको मैंने ऊपर आप देख सकते हैं पी आई डी पे, देयर यू कैन सी आइडेंटिफायर पे. सो एड्स अ फोटोग्राफ टू द लाइब्रेरी एंड एसोसिएट्स द फोटोग्राफ आइडेंटिफायर एंड कैटलॉग डिस्क्रिप्टर विद द फोटोग्राफ, ठीक है जी, कैटलॉग डिस्क्रिप्टर विद द फोटोग्राफ, देयर यू कैन सी catalog descriptor. So but what happens if the photograph identifier is already associated with the photograph in the library? Lekin tab kya hoga agar photograph PID jo hai aapka wo pehle se associated hai, is already associated with the a photograph in the library, wo pehle kisi photograph se library mein associated hai, fir kya hoga? So is the photograph descriptor associated, तो हम चेक करेंगे, is the photograph descriptor जो associated with the catalog entry as well as the photograph, ठीक है, क्या, for example, if I delete the photograph,
डू आई ऑल्सो डिलीट द कैटलॉग इन्फॉर्मेशन, तो क्या मुझे चेक लगाना पड़ेगा जो फोटोग्राफ डिस्क्रिप्टर एसोसिएट किया है कैटलॉग एंट्री में एज वेल एज द फोटोग्राफ में, तो अगर मैं फोटोग्राफ को डिलीट करूँ अगर वो एसोसिएटेड है कैटलॉग एंट्री के साथ, सो डू आई ऑल्सो डिलीट द कैटलॉग इन्फॉर्मेशन, तो क्या मुझे कैटलॉग इन्फॉर्मेशन पूरी डिलीट करनी पड़ेगी। लेट्स फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कैटलॉग एंट्री है जो एसोसिएटेड है आपके फोटोग्राफ के साथ, ठीक है जी। तो ये जी चीज़ें थी, दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू पीपल, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ जी, अल्लाह हाफिज़।